नमस्कार दोस्तों आप लोगों को हम काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आज दे रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे काफ़ी फ्रेंड्स और कलीग्स काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी लोगों को वह वो है कंफ्यूजन है कि यू पी देखिए आर के लिए तो 100 परसेंट कन्फर्म तक कैंसिल होगा यू पी पी का जो प्रिलिम्स है दोस्तों दो का प्रिलिम्स जो शेड्यूल है दोस्तों सत्रह मार्च को आयोग क्या इसे कै मतलब कैंसिल तो नहीं इसे पोस्टपोन करेगा या फिर अपने जो सत्रह मार्च डेट है उसी डेट पे एग्जाम कराएगा तो देखिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट कि क्या आयोग इसको चेंज करेगा डेट पोस्टपोन करेगा या फिर या उसी डेट पे होगा तो आइए हम बात करते हैं देखिए ये एक सौ एक परसेंट है हंड्रेड परसेंट नहीं आप लोगों को मैं एक सौ एक परसेंट दे रहा हूँ वन हंड्रेड वन परसेंट कि पेपर पोस्टपोन होगा इस चीज़ को नोट कर लीजिए इस चीज़ में इस चक्कर में आप लोग पढ़ाई को अपना लॉस मत करिए काफ़ी स्टूडेंट तीन चार दिन से हमारे कलिक्स हैं एक तिवारी जी हैं हमारे कलीग्स और हमारे एक स्टूडेंट हैं निखिल वर्मा जी तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में होता है ये चीज़ें तो हम काफ़ी हमारे अंदर से विश्वस सोच रहे हैं देखिए कल जो है जो परीक्षा नियंत्रक थे उनको हटा दिया गया है कल परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया था और देखिए एक हफ्ते कम से कम लगता है या दस दिन नया परीक्षा नियंत्रक आएँगे उसके बाद अलॉट होगा मेन क्या है कि दो जो पेपर यूपी पुलिस और आर का जो एग्ज़ाम हुआ था जो आ, यूपी पुलिस और आर का एग्जाम हुआ था दोनों जो लीक हुआ है ये योगी गवर्नमेंट की नाक का सवाल था और दूसरे देखिए सही भी आ, टाइम भी नहीं मिला था पढ़ने के लिए फेयर एग्ज़ाम करा पाना इसमें गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है तो अब जब भी होगा एग्ज़ामवाद ही होगा मतलब अब जब भी होगा एग्ज़ाम दोस्तों ये आपका चुनाव के बाद होगा जब रिजल्ट आ जाएगा तो मे भी देखिए मैक्सिमम चांस है कि पेपर दो जून या तो दो जून को हो सकता है या तीस जून को आर भी देखिए जून या जुलाई में मतलब पंद्रह दिन का आपके पास टाइम मिलेगा तो आप लोग देखिए अभी से तैयारी रखें थोड़ा भी लूज ना हो क्योंकि आर के लिए आपको पढ़ना ही है तो दो जून या फिर तीस जून के आसपास होगा यू पी पी सी एस दो हज़ार चौबीस ये लेटेस्ट अपडेट है और क्योंकि देखिए हम इसे वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि हम बिजी थे लेकिन हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स और कलिग्स ने हमको मैसेज किया कि नहीं सर आप बताइए कि आप ऑथेंटिक सोर्स देते हैं कि एग्ज़ाम टलेगा पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा तो ये देखिए अभी देखिए कल एक फ़र्जी चला हुआ था एडमिट कार्ड का फर्जी था कि एडमिट कार्ड की वजह से फर्जी एडमिट कार्ड आ रहा था तो वही फर्जी वाला था फर्जी एडमिट कार्ड का था वो तो भी फर्जी वाला था अभी देखिए आज न्यूज़ में आ रहे थे काफ़ी न्यूज़ वाले ये दे रहे थे न्यूज़ वाले कि एक या दो दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा एडमिट कार्ड आएगा लेकिन ये भी फर्जी है न्यूज़ ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर देखिए हंड्रेड परसेंट एक सौ एक परसेंट है टलेगा पेपर जून में जाएगा पेपर तो इसलिए आप लोग फिर भी तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए अगर फिर भी कोई अपडेट चाहते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट तो बताइएगा अगर जैसे ही अगर कोई अपडेट आता है या नोटिस आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा क्योंकि आज शाम या मैं तो मोस्टली कल शाम तक या दोपहर तक नोटिस आ जाएगी पेपर एक तरीके से कैंसिल मतलब पोस्टपोन हो चुका है नोटिस एक दो या दो दिन में कल तक आ जाएगी तो इस लोग आप लोग कन्फ्यूजन में रहे फिर भी लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहें क्योंकि पता क्या होता है बच्चों के काफ़ी ज़्यादा एक वहापो रहता है तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है तो इस वीडियो में इतना ही जैसे अगर पेपर पोस्टून होता देखिए तो जैसे मैंने आर ओ का टेस्ट सीरीज लाया हुआ था आर ओ के हम टेस्ट सीरीज लाए थे दोस्तों आर ओ के वैसे ही पी सी हम टोटल टेस्ट सीरीज़ लाएंगे बीस टेस्ट सीरीज़ होंगे टोटल और उसके बाद हम साइंस और हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्योंकि साइंस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री और साइंस दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और काफ़ी गलत भी होते हैं तो काफ़ी हम डीप में डिस्कस कर लेंगे उसके पंद्रह से बीस लेक्चर ले लेंगे जून से पहले तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा काफ़ी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर करें जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की